हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्टूल एग्जामिनेशन का। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख रखा है स्टूल एग्जामिनेशन। आप इसको देखिए, बताता हूँ स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं। देखिए, स्टूल जो होता है वो हमारे मेटाबॉलिक का एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और बेसिकली स्टूल एग्जामिनेशन हमारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट कराने में सहायक होता है। तो स्टूल एग्जामिनेशन से रिलेटेड वो सारे सवाल के जवाब मिलने वाले हैं जो आप आज तक आप फेस करते आए हुए हैं, स्टूल एग्जामिनेशन करते हो, चाहे वो आप स्टूल एग्जामिनेशन की फिजिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें, केमिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें। तो स्टूल सैंपल क्या है, स्टूल सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं, इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, इसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके मैं आपको इस पूरे लेक्चर में देने वाला हूँ। और डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि आप पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको स्टूल एग्जामिनेशन एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा कि स्टूल एग्जामिनेशन होता क्या है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, और ये हमारे लिए नेसेसरी क्यों है। ये लेक्चर्स उन छात्रों के लिए बेहद इंपॉर्टेंस होने वाला है जो खासकर DMLT भी कर रहे हैं, दैट मीन्स जो लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो भी ये आपके लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्टूल एग्जामिनेशन होता क्या है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं स्टूल मतलब होता है फिकल मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक का, जो इंटेस्ट टाइम में डाइजेशन के बाद बचे हुए वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एनस से बाहर एक्सक्रेट किए जाते हैं, और उन्हीं को हम स्टूल कहते हैं या फिकल मटेरियल्स भी कहते हैं। तो स्टूल मटेरियल्स या फिकल मटेरियल एग्जामिनेशंस बेसिकली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंस जो डायग्नोसिस होती है स्टूल की, वो ये होता है कि हमारे GI ट्रैक में अगर पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो वो स्टूल से बहुत आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। मैं कह रहा हूँ कि GI ट्रैक में पैरासाइटल इन्फेक्शन अगर किसी व्यक्ति के किसी पेशेंट के GI ट्रैक में, स्पेशली लोअर GI ट्रैक जैसे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर किसी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो वो सबसे बेस्ट स्पेसिमेन होता है स्टूल। ठीक है, तो अब स्टूल एग्जामिनेशन करते कैसे उसकी बात करते हैं। तो स्टूल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है सैंपल कलेक्शन। क्या होता है? सैंपल कलेक्शन। अब ये सैंपल कलेक्शन क्या होता है, देखिए जैसे ही आप कोई भी डायग्नोसिस करने जाते हैं तो आपको सैंपल कलेक्शन सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पे सैंपल कलेक्शन के बारे में बता रहा हूँ कि स्टूल जो होता है, स्टूल जब आप एग्जामिन करने जाते हैं, नॉट ओनली स्टूल, कोई भी सैंपल, कोई भी आप जांच करने जाते हैं तो उसके लिए एक सैंपल चाहिए होता है। तो स्टूल एग्जामिनेशन के लिए आपको सैंपल कलेक्शन करना पड़ता है, और सैंपल कलेक्शन पेशेंट करता है, बस आपको पेशेंट को एडवाइस देना होता है। तो अगर हम स्टूल सैंपल के सैंपल कलेक्शन की बात करें तो सैंपल कलेक्शन कैसे करते हैं वो बातें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बेशक आपको कलेक्शन ना करना हो, कलेक्शन आपको पेशेंट करके ला के देता हो, लेकिन उसके लिए एक निश्चित गाइडलाइंस होती है, एडवाइस होती है, वो एडवाइस कैसे दी जाती है, क्या की जाती है, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, स्टूल कलेक्शन बेसिकली एक वाइड माउथ कंटेनर में किए जाते हैं, 50 ml का कंटेनर्स होता है, या फिर कार्डबोर्ड में किया जाता है, कार्डबोर्ड में कर सकते हैं, या वाइड माउथ कंटेनर में, जैसे यूरिन कंटेनर आपने देखा है, इस तरह से आपने इस तरह से कंटेनर देखा होगा, वाइड माउथ का चौड़े मुंह वाला ऐसे होता है, इसके ऊपर इस तरह से कैप लगे होते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो वाइड माउथ कंटेनर में स्टूल का एग्जामिनेशन किया जाता है बेसिकली, ये देख सकते हैं आप, ये लगभग 50 ml इसकी वॉल्यूम होता है, 50 ml इसमें मेजर किया जा सकता है, कितना, 50 ml। तो ऐसे ही वाइड माउथ कंटेनर में स्टूल का कलेक्शन किया जाता है। कलेक्शन करने के लिए आपको पेशेंट को एडवाइस देनी पड़ती है, और क्या एडवाइस देनी पड़ती है, एडवाइस में क्या देंगे, सबसे पहला काम होता है कि आप इस कंटेनर के ऊपर लेबलिंग एंड मार्किंग करें। क्या करें? लेबलिंग एंड मार्किंग। लेबलिंग एंड मार्किंग क्या करेंगे, लेबलिंग और मार्किंग में क्या किया जाता है, जैसे पेशेंट नेम, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी। अब ये आईडी अपने लैब में जनरेट करते हैं, जब डॉक्टर आपके पास कोई पेशेंट भेजता है तो अपने एक आपके पास सिस्टम होता है या फिर आपके पास रजिस्टर्ड होता है, उसमें एंट्री करते हैं, तो एक पेशेंट आईडी आपके यहाँ आपके पास जनरेट होती है। आप अपनी लैब की पेशेंट आईडी जनरेट कर सकते हैं या हॉस्पिटल की पेशेंट आईडी यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल वाला जो हॉस्पिटल से पेशेंट आईडी मिलती है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो पेशेंट आईडी, डेट एंड टाइम, ये तीन मोस्ट चीजें, और
सेक्स, दैट मीन्स जेंडर्स कह सकते हैं, मेल है या फीमेल है, ठीक है। ये तीन से चार चीजें, पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, डेट, सैंपल कलेक्शंस एंड जेंडर, दैट मीन्स मेल है या फीमेल है, ये चारों चीजें इस बॉक्स पे, इस कंटेनर के ऊपर जो आप पेशेंट को दे रहे हैं, इस कंटेनर के ऊपर लेबलिंग करेंगे। ये चार चीजें क्या, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज अ मस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंस होता है ये आपके लिए, ये टेक्नीशियन का काम है। ये लेबलिंग करने के बाद अब आप ये कंटेनर पेशेंट को देते हैं, किसको देते हैं, पेशेंट को। पेशेंट को कंटेनर देने के बाद पेशेंट को बता देते हैं कि आप मॉर्निंग में जब फर्स्ट टाइम स्टूल एक्सक्रेट करने के लिए जाइएगा तो उसमें से लगभग 10 से 20 ml, अब मैं 10 से 20 ml कह रहा हूं, अब ग्राम भी कह सकते हैं। अब ml और ग्राम क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको फिजिकल एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी पढ़ाने वाला हूं, ये स्टूल कंसिस्टेंसी, तब वहां वो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ml में क्यों कर रहा हूं। तो 10 से 20 ml या 10 से 20 ग्राम स्टूल पेशेंट को बोल देंगे कि वो कलेक्ट कर लेगा, उसमें फिल कर लेगा। और कलेक्शन करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि जिस पार्ट में म्यूकस आया हो या जिस पार्ट में ब्लड आया हो उस पार्ट को कलेक्ट करें। पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जब स्टूल एक्सक्रेट करेगा, बाहर निकालेगा, बाहर निकालने के बाद उसमें से 10 से 20 ml या 10 से 20 ग्राम स्टूल कलेक्ट करना है। और कलेक्शन के वक्त इस बात का ध्यान दें कि जिस स्टूल के जिस पार्ट में, जैसे स्टूल एक्सक्रेट किया, स्टूल के जिस पार्ट में म्यूकस आया हो या फिर ब्लड आया हो उस पार्ट को कलेक्ट करें, क्योंकि पूरा स्टूल तो कलेक्ट नहीं करना है, कलेक्ट तो 10 से 20 ml ही करना है। तो जिस पार्ट में ब्लड आया हो या म्यूकस आया हो उसी पार्ट को इस कंटेनर में कलेक्ट करने का। कलेक्शन को वक्त इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूल होता है, क्या स्टूल, दैट मीन्स फिकल मटेरियल, वो किसी भी तरीके से यूरिन से कंटामिनेटेड ना हो, दैट मीन्स स्टूल में यूरिन ना मिलने पाए। पेशेंट को इस बात का प्रॉपर एडवाइस देंगे कि जब आप स्टूल कलेक्ट करने जाएंगे तो स्टूल कलेक्ट करते वक्त आप इस बात का ध्यान दें कि स्टूल और यूरिन एक साथ ना मिलने पाए, अदरवाइज रिपोर्टिंग सही नहीं हो सकती। यूरिन के मिलने से बहुत सारे यूरिनरी ट्रैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी स्टूल में आ जाएंगे, जिससे कि गलत रिपोर्टिंग हो जाएगी। इसीलिए किसी भी तरीके से स्टूल में यूरिन नहीं मिलना चाहिए, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो पेशेंट को एडवाइस करेंगे वो ये होता है कि जब स्टूल कलेक्ट कर ले तो जब उसके कैप को ओपन करेगा तो कैप को बहुत समय तक ओपन करके ना रखे, ड्राई ना होने पाए स्टूल, स्टूल कलेक्ट करें और तुरंत उसके ऊपर कैप लगा देना चाहिए। इन सब बातों को पेशेंट को ये सारे इंस्ट्रक्शन देने के बाद ही पेशेंट को कंटेनर दे दे और पेशेंट कलेक्ट करके ले आएगा। जब आपके पास सैंपल आ जाता है, पेशेंट आपको सैंपल ला के दे दिया, तो हो सकता है कि आपको सैंपल को प्रिजर्व करने की ज़रूरत पड़े, आप तुरंत ऑन द स्पॉट टेस्टिंग ना कर सक पा रहे हो, या आपको उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, दैट मीन्स जो उसमें प्रोटोजोन है, हेलमिंथीज है, उनको प्रिजर्व करके लंबे समय के लिए रखना है, आपको 2 घंटे, 4 घंटे या 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद आपको एग्जामिनेशन करना है। तो ऐसे में जब आपके लैब में स्टूल आ जाता है तो स्टूल का प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने सबसे पहले आपको सैंपल कलेक्शन बताया कि सैंपल कलेक्शन में क्या करते हैं, सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के ऊपर पेशेंट नेम, पेशेंट आईडी, डेट एंड टाइम्स एंड जेंडर, दैट इज मेल है फीमेल, ये चारों चीज़ लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद ये कंटेनर पेशेंट को देते हैं और पेशेंट से कहते हैं कि 10 से 20 ग्राम या 10 से 20 ml स्टूल कलेक्ट करेंगे। कलेक्टेशन के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पे म्यूकस या ब्लड आया हो उस पार्ट को कलेक्ट करके दें। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि स्टूल में किसी तरह से यूरिन ना आने पाए, अगर यूरिन आता है तो रिपोर्टिंग गलत हो सकती है। तो जब ये पेशेंट आपको स्टूल कलेक्ट करके ला के दे देगा तो उसके बाद अब आपको स्टूल को प्रिजर्व करने की भी जरूरत पड़ सकती है, फिक्स करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अब स्टूल का फिक्सेशन कैसे होता है मैं वो बातें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं स्टूल फिक्सेशन, चलिए देखते हैं। अब मैंने आपको सैंपल कलेक्शन बता दिया, अगर आपके पास पेशेंट ने सैंपल ला के दे दिया, क्या क्या पेशेंट एक कंटेनर में आपको सैंपल ला के दे दिया, आपके पास ये सैंपल आ गया, ये पेशेंट ने आपको सैंपल ला के दे दिया, इसके ऊपर पेशेंट नेम है, पेशेंट आईडी है, पेशेंट डेट एंड टाइमिंग है एंड
जेंडर्स लिखे गए, ये चार चीज़ें मेंशन इसके है। ये आपके पास स्टूल सैंपल आ गया, क्या आ गया? स्टूल सैंपल, ठीक है। सैंपल कलेक्ट करके पेशेंट ने आपको ला के दे दिया। अब आपको स्टूल सैंपल को प्रिजर्व करना है, क्या करना है? स्टूल सैंपल को प्रिजर्व करना है। तो स्टूल सैंपल को प्रिजर्व करने का आप लिख सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्टूल सैंपल। अब स्टूल सैंपल को आप प्रिजर्व कैसे करेंगे वो देखिए, आपको क्या करना है 10, अब आपको क्या करना है स्टूल को फिक्स करने के लिए 10% फॉर्मल सलाइन लेना है। क्या लेना है? फॉर्मल सलाइन। अब ये फॉर्मल सलाइन क्या होता है, फॉर्मल सलाइन कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे बन, सॉरी, अब आपको क्या करना है, आपको 10% फॉर्मल सलाइन लेना है। अब ये फॉर्मल सलाइन क्या है, फॉर्मल सलाइन बनाया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको फॉर्मल सलाइन बनाना सिखा सकता हूँ। तो ये 10% फॉर्मल सलाइन लेंगे, 10% फॉर्मल सलाइन लेने के बाद स्टूल को प्रिजर्व करना है, तो 3 पार्ट फॉर्मल सलाइन और 1 पार्ट स्टूल को आपस में मिक्स करके रख देंगे तो वो उसमें प्रिजर्व रह सकता है। 3 पार्ट का मतलब जैसे कि 3 ml फॉर्मल सलाइन और 1 ml स्टूल। तो अगर आपको स्टूल को प्रिजर्व करना है तो 3 पार्ट फॉर्मल सलाइन और 1 पार्ट स्टूल को आपस में मिक्स करके आप रख दीजिए, वो प्रिजर्व रहेगा, वो सुरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि स्टूल सैंपल कलेक्शन कैसे कराते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं। दूसरा मैंने बता दिया कि स्टूल सैंपल प्रिजर्व कैसे करते हैं, सुरक्षित कैसे करते हैं। अब आगे चलते हैं और स्टूल सैंपल के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, एग्जामिनेशन की बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला टॉपिक आपका हो गया सैंपल कलेक्शन, दूसरा टॉपिक आपका हो गया प्रिजर्वेशन, और तीसरा टॉपिक है एग्जामिनेशन। क्या है? स्टूल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन। बेसिकली स्टूल एग्जामिनेशन को हमने 3 पार्ट मेजर पार्ट में क्लासिफाइड किया है। पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, आप देख सकते हैं यहां पे, पहला फिजिकल एग्जामिनेशन, दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन और तीसरा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन या इसी को ग्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें एग्जामिन की जाती है वो चीज़ें देखिएगा। फिजिकल एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी एग्जामिन की जाती है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि स्टूल फॉर्म है, वेल फॉर्म है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दूसरा स्टूल का कलर एग्जामिन किया जाता है। तीसरा स्टूल में म्यूकस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये चीज़ें एग्जामिन की जाती है। स्टूल में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी एग्जामिनेशन होता है। स्टूल का पीएच क्या होता है, और क्या स्टूल में कोई बड़े पैरासाइट्स या किसी पैरासाइट का कोई फ्रेगमेंट या कोई पार्ट आ रहा है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो फिजिकल एग्जामिनेशन या ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आती हैं। तो अगर स्टूल की फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए, तो फिजिकल एग्जामिनेशन आप स्टूल कंटेनर को लेके हाथ में लेके ग्लव्स, जब भी आप लैब में काम करते हैं ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स पहन के हाथ में कंटेनर को लेके आप स्टूल को बाहर से देख के सारी चीज़ें लगभग बता सकते हैं। स्पेशली आपको हो सकता है कि पीएच के लिए पीएच चेक करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें आप उसको उसके हाथ में कंटेनर को लेके देख के बता सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन या ग्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है उसमें बेसिकली कंसिस्टेंसी मेजर की जाती है, स्टूल की कंसिस्टेंसी बताई जाती है कैसी है कैसे नहीं है, स्टूल का कलर बताया जाता है, स्टूल में म्यूकस आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताते हैं, स्टूल में ब्लड आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसका पीएच क्या है, और क्या उसमें कोई बड़े फ्रेगमेंट हैं पैरासाइट्स के, ये सारी की सारी चीज़ें स्टूल के फिजिकल एग्जामिनेशन में आती हैं। दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन की बात कर लें, तो केमिकल एग्जामिनेशन में स्पेशल केमिकल जो टेस्ट होता है वो ओकल ब्लड का टेस्ट होता है, बेंजीडीन मेथड्स यूज होता है, आगे मैं बताने वाला हूँ ओकल ब्लड टेस्ट क्या होता है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, ओकल ब्लड टेस्ट किया जाता है, किसके अंतर्गत, केमिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत। केमिकल एग्जामिनेशन के लिए स्पेशल एक ही ये टेस्ट आता है रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में, मैं रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, रूटीन स्टूल एग्जामिनेशन में स्पेशली ओकल ब्लड टेस्ट आता है, ओकल ब्लड टेस्ट आता है, ठीक है। ये पीएच और रिएक्शन भी कभी कहीं कुछ बुक में आपको मिल जाएगा, आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं तो कहीं कहीं पे आपको पीएच या रिएक्शन भी मिल जाएगा केमिकल एग्जामिनेशन में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया पीएच टेस्ट करना, फिजिकल एग्जामिनेशन में ही बता दिया, क्योंकि बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है उसके अंतर्गत ही पीएच आता है।
जो पीएच होता है वो बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत आता है, लेकिन कुछ बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पीएच या रिएक्शंस के नाम से केमिकल एग्जामिनेशन में मिला होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ बता दिया ताकि आप कभी किसी बुक्स को पढ़ें तो आप कन्फ्यूज ना हो। इसलिए ये पीएच जो टेस्ट है वो केमिकल एग्जामिनेशन में करते हैं और बेसिकली आप रिपोर्टिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करते हैं, तो अगर आपको कहीं मिलता है तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर राइट डाउन करके बता दिया था आपको। तीसरा जो है मोस्ट एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है स्टूडेंट का, वो होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में स्पेशली हम प्रोटोजोन फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे इंटेस्टाइन में बहुत सारे प्रोटोजोन्स पाए जाते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, जो हमारी बीमारी काज करते हैं। उसमें से मैं एक आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो अमीबियोसिस काज करता है, जिसे आप पेचिस कहते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोन्स है। इसी तरह से प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, जैसे टेनिया सोडियम्स हो गया, प्लेटी हेलमिंथीज होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, फैट ग्लोबुल्स होते हैं, ईस्ट सेल होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इन सभी चीज़ों का एग्जामिनेशन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंतर्गत किया जाता है। तो मैं इसी लेक्चर्स में आगे एक एक टेस्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एक एक टेस्ट को बताऊँगा कि ये टेस्ट क्या है, कैसे करते हैं, ये नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहले आप देख लीजिएगा कि क्या क्या एग्जामिनेशन होती है। ग्रॉस एग्जामिनेशन में स्टूल के फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, केमिकल एग्जामिनेशन होता है और माइक्रोस्कोपिक होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाँच की जाती है, इन सब चीज़ों को एग्जामिन किया जाता है। केमिकल एग्जामिनेशन में स्पेशल ओकल ब्लड किया जाता है और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है। तो अब मैं स्पेशल एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि फिजिकल एग्जामिनेशन में कंसिस्टेंसी क्या होता है, कलर क्या होता है, म्यूकस क्या होते हैं, ब्लड क्या होते हैं, पीएच क्या होते हैं, पार्ट ऑफ पैरासाइट्स क्या होते हैं, इन एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको फिजिकल एग्जामिनेशन बताया, फिजिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने आपको पहले बताया कंसिस्टेंसी, दूसरा मैंने आपको बताया कलर, तीसरा मैंने आपको बताया म्यूकस, चौथा मैंने आपको बताया ब्लड, पांचवा मैंने आपको बताया पीएच, छठा मैंने आपको बताया पार्ट ऑफ पैरासाइट्स। तो ये बेसिकली फिजिकल एग्जामिनेशन है। अब इन फिजिकल एग्जामिनेशन को मैं एक एक करके, मैंने आपको पहले बताया कि एक एक करके मैं इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कंसिस्टेंसी, ये स्टूल की कंसिस्टेंसी क्या होती है। स्टूल के अगर कंसिस्टेंसी की बात करें, बेसिक मतलब होता है कि उसका फॉर्म क्या, उसकी स्टेज क्या है। कभी कभी क्या होता है, स्टूल बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में आता है, कभी कभी सेमी सॉलिड फॉर्म में आता है, कभी कभी लिक्विड फॉर्म में आता है। तो जो स्टूल के फॉर्म स्टेज है उसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो नॉर्मली जो स्टूल की कंसिस्टेंसी होती है वो वेल फॉर्म्ड होती है। क्या होती है? वेल फॉर्म्ड होती है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करें, क्या होती है? वेल फॉर्म्ड होती है, ठीक है। अब एबनॉर्मल क्या होता है? ये तो नॉर्मल है, क्या नॉर्मल कंसिस्टेंसी है। अब एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी क्या होती है? एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी मतलब होता है हार्ड हो जाए, सेमी सॉलिड हो जाए, क्या हार्ड, सेमी सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड या इसी को बोलते हैं अनफॉर्म्ड, अनफॉर्म्ड, सेमी फॉर्म्ड, ठीक है, ठीक है। ये हुए, ये एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी है। तो बेसिकली ये चार कंसिस्टेंसी होती है किस चीज की? स्टूल की, 1, 2, 3 और 4। तो ये नॉर्मल कंसिस्टेंसी है और ये एबनॉर्मल है। तो अब आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कलर की। तो ये फिजिकल एग्जामिनेशन में पहली जो एग्जामिनेशन थी वो कंसिस्टेंसी थी। कंसिस्टेंसी की बात आगे चलते हैं और बात करते हैं हम कलर की। बेसिकली अब हम स्टूल की कलर की बात करते हैं। तो स्टूल का जो कलर होता है वो बेसिकली लाइट टू डार्क ब्राउन होता है। अब ये भी पिगमेंट की वजह से होता है, बाइल पिगमेंट की वजह से होता है, लाइट टू डार्क ब्राउन होता है। जब एक्सक्रेट होता है
एक्सक्रेशन के वक्त वो बिल्कुल लाइट ब्राउन होता है, और जब वो एयर से ऑक्सीडाइज होता है तो वो डार्क ब्राउन में हो जाता है। तो लाइट टू डार्क ब्राउन होता है, ये इसकी नॉर्मल कलर है। अब एबनॉर्मल कलर क्या होता है स्टूल का? बेसिकली अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसके स्टूल का कलर लाइट टू डार्क ब्राउन होगा। अब एबनॉर्मल कलर कैसे होगा? एबनॉर्मल कलर कौन कौन सा हो सकता है वो देखते हैं हम। एबनॉर्मल कलर ब्लैक हो सकता है। कैसा? ब्लैक। ध्यान दीजिएगा, मैंने स्टूल का कलर बताया, नॉर्मली लाइट टू डार्क ब्राउन कलर का होता है। नॉर्मल स्टूल ब्राउन कलर का होता है, और ये पिगमेंट की वजह से होता है, बाइल्स की वजह से होता है। लेकिन एबनॉर्मल स्टूल ब्लैक कलर का हो सकता है। अब ब्लैक कलर क्यों होता है? अगर किसी व्यक्ति के जीआई ट्रैक के अपर पार्ट में, ध्यान दीजिएगा मैं अपर पार्ट कर रहा हूँ, जैसे ड्यूडेनम हो गया, स्टमक के पास हो गया, अगर किसी व्यक्ति के जीआई ट्रैक के अपर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है, क्या होता है? अपर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है। अपर पार्ट कौन समझ रहे हैं ना? ड्यूडेनम या उससे अपर साइड में, स्टमक के पास या और ऊपर चले जाओ ओएसोफेगस के पास। तो अगर किसी जीआई ट्रैक के अपर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है तो स्टूल क्या होता है? ब्लैक हो जाता है। ब्लैक स्टूल पास होने लगता है जब किसी व्यक्ति के अपर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है। आगे चलते हैं, इसके साथ साथ इसमें आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन भी होती है। आयरन डेफिशिएंसी की कंडीशन में भी स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है। आगे ब्राइट रेड। क्या? ब्राइट रेड। ब्राइट रेड, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। देखो मैंने कहा ब्लैक और ब्राइट रेड दोनों कलर ब्लीडिंग की वजह से आते हैं स्टूल में। अगर स्टूल का ब्लैक कलर हो रहा तो भी ब्लीडिंग हो सकता है, और अगर स्टूल का कलर ब्राइट रेड है तो भी ब्लीडिंग हो सकता है। लेकिन दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि ये अपर पार्ट में ब्लीडिंग होने से होता है और ये लोअर पार्ट में होने से होता है। अगर किसी व्यक्ति के जीआई ट्रैक के लोअर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसका स्टूल ब्राइट रेड आता है, और किसी व्यक्ति के जीआई ट्रैक के अपर पार्ट में ब्लीडिंग हो रही होती है तो उसका स्टूल कैसा आता है? ब्लैक आता है। तो बेसिकली ये एबनॉर्मल कलर है स्टूल के। ब्लैक कलर हो सकता है, ब्राइट रेड कलर हो सकता है। इसके साथ साथ म्यूकस की बात कर लेते हैं। तो म्यूकस बेसिकली ब्लड में, सॉरी, जो म्यूकस होता है, मैंने फिजिकल एग्जाम में पहला कंसिस्टेंसी बताया, दूसरा कलर बताया, तीसरा म्यूकस। तो बेसिकली म्यूकस जो होता है वो एब्सेंट होता है। आप जानते होंगे म्यूकस होता है व्हाइटिश कलर का सबस्टेंस होते हैं, बिल्कुल। तो जो नॉर्मल स्टूल होते हैं उसमें म्यूकस एब्सेंट होते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अमीबियोसिस होता है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे पेशेंट में म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। तो जो अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति नॉर्मल है तो नॉर्मल में म्यूकस एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी पैरासाइटिक डिजीज, स्पेशली पैरासाइटिक डिजीज से सफर कर रहा होता है, जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका से, तो उसके स्टूल में म्यूकस आने लगते हैं। तो नॉर्मली स्टूल में म्यूकस नहीं पाया जाता, और अगर म्यूकस पाया जा रहा है तो वो एबनॉर्मल है, और खासकर एंटमीबा हिस्टोलाइटिका या अमीबियोसिस की वजह से म्यूकस दिखाई देता है। नेक्स्ट पार्ट है ब्लड, और ब्लड भी हमारे स्टूल में एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, दैट मीन्स स्टूल में ब्लड भी नहीं पाए जाते हैं। और ब्लड पाए जाने का रीजन होता है कि अगर किसी पार्ट में, हमारे जीआई ट्रैक के किसी पार्ट में ब्लीडिंग हो रहा हो या किसी तरह से अल्सर हो गया है तो स्टूल में ब्लड आते हैं, या पाइल्स के कंडीशन में भी आते हैं स्टूल में ब्लड। तो बेसिकली ब्लड नॉर्मल यूरिन में क्या होता है, ब्लड, सॉरी, बेसिकली नॉर्मल स्टूल में ब्लड एब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पाइल से सफर कर रहा हो या किसी तरह से अल्सर हो गया हो उसके इंटेस्टाइन में या उसके जीआई ट्रैक में, तो उसमें ब्लड प्रेजेंट्स होते हैं। और ब्लड प्रेजेंट्स होते हैं, अगर किसी व्यक्ति के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट होंगे तो या तो वो ब्लैक हो जाएगा या तो ब्राइट रेड हो जाएगा। अब ब्लैक क्यों होगा और ब्राइट रेड क्यों होगा वो मैंने बताया कि अगर ब्लीडिंग अपर पार्ट में हो रही होगी तो ब्लैक हो जाएगा, ब्लीडिंग लोअर पार्ट में हो रही होगी तो ब्राइट रेड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है, ये पीएच जो होता है, सॉरी, जो स्टूल का ब्लड होता है, स्टूल में ब्लड नॉर्मली नहीं आते लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन में आते हैं, और एबनॉर्मल कंडीशन में आने का रीजन हो सकता है ब्लीडिंग।
या अल्सर क्रिएट होना या पाइल्स होना, ये सब बेसिक रीजन होते हैं स्टूल में ब्लड आने का। आगे चलते हैं और पीएच की बात कर लेते हैं, स्टूल के पीएच की आगे चलते हैं, स्टूल के पीएच की बात करते हैं। तो बेसिकली स्टूल का जो पीएच होता है वो 5.8 से 7.5 होता है। कितना होता है? 5.8 से 7.5। इस पीएच को देख के हम कह सकते हैं कि स्टूल क्या होता है, अल्कलाई भी होता है, अल्कलाई होता है, न्यूट्रल होता है, और अल्कलाई होता है, न्यूट्रल होता है, और एसिडिक होता है। दैट मीन्स हमारा जो स्टूल्स होता है ह्यूमन बींग से जो स्टूल एक्सक्रेट होता है वो अल्कलाइन नेचर का भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो पीएच रेंज है वो वेरिएशन लंबे वेरिएशन है, 5.8 से 7.5 होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे स्टूल होते हैं वो हमारे डाइट पे डिपेंड करते हैं। बेसिकली स्टूल का जो पीएच होता है वो डाइट पे डिपेंड करता है। जैसे आपने और भी बॉडी फ्लूइड पढ़ा होगा, आपने ब्लड पढ़ा होगा, सी सब पढ़ा होगा, इनका जो पीएच है बिल्कुल फ्लैक्चुएट नहीं करता, उनके फ्लैक्चुएशन बहुत 0.5, 0.2 होते हैं, ऐसे फ्लैक्चुएशन होता है। लेकिन यहाँ पे बड़ा फ्लैक्चुएशन है और उसका रीज़न ये है कि जो स्टूल होता है और जो यूरिन में भी अगर आप ध्यान दें तो यूरिन में भी बड़ा फ्लैक्चुएशन है। यूरिन के पीएच में 4.6 से लेके 5.8 तक होता है, तो यहाँ भी बड़ा फ्लैक्चुएशन होता है क्योंकि स्टूल और यूरिन दोनों ही बेसिकली डाइट पे डिपेंड करते हैं। इनका जो नेचर्स होता है वो डाइट पे डिपेंड करता है, आप जिस तरह के फूड लेते हैं, जिस तरह के न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसी हिसाब से इनका पीएच होता है, इसीलिए इनके पीएच में इतना ज़्यादा वेरिएशन होता है। तो स्टूल का पीएच अल्कलाइन भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और एसिडिक भी हो सकता है। अब पीएच टेस्ट कैसे करते हैं तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी आपको बता देंगे पीएच को टेस्ट कैसे करना है, पीएच टेस्ट कैसे करना है यूरिन का, सॉरी स्टूल का। तो मैं आपको स्टूल का पीएच टेस्ट करने यहाँ पे बताता हूँ, स्टूल पीएच, अगर आपके पास स्टूल सैंपल है उसका पीएच टेस्ट कैसे करेंगे वो देखिए। बेसिकली किसी स्टूडेंट से मुझे ये रिकमेंड किया था, सर मुझे स्टूल पीएच टेस्ट करने जानना है, तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, एक एक प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा। स्टूल का पीएच टेस्ट करना बहुत आसान है, एक मिड रेंज का पीएच पेपर लें। मिड रेंज का मतलब है कि पीएच का जो रेंज हो, पीएच पेपर का रेंज हो वो 3 से लेकर 9 के बीच में हो। कितने से हो? 3 से लेकर 9 के बीच में हो या 4 से लेकर 9 के बीच में हो। मिड रेंज का पीएच पेपर लें और पीएच पेपर को लेने के बाद सीधा सीधा उसको स्टूल के कांटेक्ट मिला, जैसे आपके ये कंटेनर है, इस कंटेनर में स्टूल रखा गया है, ये कैप लगा हुआ है, यहाँ पे स्टूल रखा गया है। अब करना क्या है आपको, पीएच पेपर लेना है और इसके कैप को ओपन करना है। कैप को ओपन करने के बाद पीएच पेपर को इसके कॉन्टैक्ट में लाना है, सीधा सीधा कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो देखो स्टूल में वाटर की मात्रा प्रेजेंट होती है, ऐसा नहीं कि अगर स्टूल फॉर्म में है तो उसमें वाटर नहीं होगा। आप इसको इसके कॉन्टैक्ट में ला के टच करा के रखिए, ऐसा नहीं कि उसमें बार बार आप डिप करिए, ऐसा नहीं है, उसके स्टूल के कॉन्टैक्ट में ला के अच्छे से टच करा दीजिए, तो इसमें से ये जो वाटर है वो एब्जॉर्ब करके पीएच पेपर पूरा भीग जाएगा, पूरा गीला हो जाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर पार्ट्स को। तो अब स्टूल के कॉन्टैक्ट में लाने के बाद पीएच पेपर को आप 30 सेकंड 20 सेकंड के लिए इसके कांटेक्ट में मेंटेन करके रखिए। अगर स्टूल 30 सेकंड के बाद इस पीएच पेपर को ले जाके आप पीएच पेपर जब आप यूज किए होंगे, आपने देखा होगा पीएच पेपर का एक चार्ट भी होता है, उस पर इस तरह से कलर लगा होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है ये चार्ट। तो अगर आपने पीएच पेपर यूज किया तो पीएच पेपर का चार्ट होता है और चार्ट से इस पीएच पेपर को ले जाके मैच कराएं, और मैच कराने के बाद आप पीएच राइट डाउन कर लें। सपोज दैट यहाँ पे आपने टच कराया और टच कराने के बाद इसका कलर एलोविस कलर का हो गया, कैसा हुआ? एलोविस कलर का, और एलोविस कलर का हुआ तो आप वहाँ पे ले जाके देख रहे हैं तो वो 6.5 के आसपास में है, मैच कर रहा है, जहाँ 6.5 का पैरामीटर है उससे उसका कलर मैच कर रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, स्टूल का पीएच क्या हो जाएगा, 6.5। तो बिल्कुल आसान होता है, आपको पीएच पेपर को स्टूल के कांटेक्ट में लाना है। स्टूल के कांटेक्ट में लाते ही जैसे वो भीग जाए, गीला हो जाए, स्टूल का वाटर उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, उसको हटाना है और 30 सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद चार्ट से मैच कराना है, चार्ट से मैच कराने के बाद जिस जहाँ पे मैचिंग हो रही है उसी की वैल्यू आपको लिख देना है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये होता है स्टूल पीएच टेस्टिंग, इस तरह से स्टूल की पीएच टेस्टिंग की जाती है। अब पार्ट ऑफ पैरासाइट्स, लास्ट पार्ट देख लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन का, पार्ट ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स के पार्ट कैसे हैं, क्या होते हैं? देखिए जब आप किसी पेशेंट से स्टूल कलेक्ट कराते हैं तो आप उसको, मैंने पहले बताया कि जब कलेक्शन के वक्त मैंने बताया कि उसको आप इंस्ट्रक्शन देते हैं कि स्टूल के उस पार्ट को कलेक्ट करें जहाँ पे म्यूकस आ रहा होगा या जहाँ पे
कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही हो, तो अब स्टूल को आप इस तरह से उसे ऑब्जर्व करते हैं, प्रॉपर ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं पे उसमें किसी तरह का बड़े पैरासाइट्स तो नहीं आए हैं जो आपको मैक्रोस्कोपली दिखाई दे, जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे सकें। आप जानते हैं बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, लेकिन आप पैरासाइट्स, प्रोटोजोन को छोड़ दें, हेलमिंथीज में जितने भी पैरासाइट्स होते हैं आप उनको आसानी से आंखों से देख सकते हैं। ज़्यादातर पैरासाइट्स को आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि अगर पैरासाइट्स आ रहा है, पैरासाइट का कोई सेगमेंट आ रहा है, तो वो भी आपको यहाँ पे देखना है फिजिकल एग्जामिनेशन में। मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप पैरासाइट देखेंगे आप माइक्रोस्कोपिक पे चले जाए। आपको पैरासाइट्स बड़े साइज में होते हैं, वो नग्न आंखों से भी दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए अगर कोई पैरासाइट्स आ रहा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट्स या पैरासाइट का कोई पार्ट आया हुआ है तो वो आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिन करिए, अगर आपको दिखाई दे रहा तो राइट डाउन करिए, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं है। तो ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल। फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल में कंसिस्टेंसी, कलर, म्यूकस, ब्लड पीएच और पार्ट ऑफ पैरासाइट, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप टेस्ट करते हैं, और इनमें मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मली स्टूल में पैरासाइट्स भी एब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, एब्सेंट। स्टूल के फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए, अगर स्टूल के फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जो उसकी कंसिस्टेंसी होती है वो वेल फॉर्म होती है, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। कलर होता है लाइट टू डार्क ब्राउन होता है, म्यूकस एब्सेंट होते हैं, ब्लड एब्सेंट होता है, पीएच 5.8 से 7.5 होता है और पार्ट ऑफ पैरासाइट्स एब्सेंट होते हैं। तो ये इसकी नॉर्मल रिपोर्टिंग है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल की। अब इसके साथ साथ एबनॉर्मल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, या हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव क्लासेस मैं आपको 11 o'clock पे देता हूँ डेली। कितने पे? 11 o'clock। आप लाइव क्लासेस में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आवाज़